हेलो फ्रेंड्स बुनाई स्वेटर डिजाइन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज मैं आपको छः महीने से ले कर एक साल तक के गर्ल बेबी का ये पोंचो बनाकर बताऊंगी ये पोंचो बनाना बहुत आसान है इसमें हमने केवल सीधी उल्टी सिलाई बनाकर इस पोंचो को कंप्लीट किया है इसे मैंने मात्र सीधी उल्टी सिलाई से इसलिए बनाया है फ्रेंड्स कि बिगनर्स इस पोंचो को आसानी से बनाकर अपने बच्चों को पहना सकते हैं और इस पोंचो को बनाने के लिए केवल 75 ग्राम ऊन मैंने लगाई है जिसमें से 20 ग्राम ये वाली ऊन है और 55 ग्राम ये वाली ऊन है इसी हिसाब से आप ऊल को ले लीजिएगा और ये जो ऊल है ये नॉर्मल बेबी ऊल है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है बच्चों के लिए कंफर्टेबल है और फ्रेंड्स अगर आप इस पोंचो को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्सन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर शॉप है तो वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये फोर प्लाई की नॉर्मल बेबी ओल है और इसमें हमने टेन नंबर के नीडल यूज़ की हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके के वीडियोस पाते रहें और फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा जिस ओल से हमें पूरा पोंचो बनाना है तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से इतने फंदे हम डालेंगे तो इस धागे को हम इतना छोड़ देंगे इस साइड में और ये देखिएगा इस तरीके से पकड़ लेंगे यहाँ पर हम इस तरह से फंदों को डालना शुरू करेंगे ये देखिएगा एक दो तीन चार पाँच देखिएगा बहुत आसानी से हमने इन फंदों को डाला हुआ है सिंगल ल से फंदे डालेंगे वर्किंग ऊल हमारी इस साइड में रहेगी राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में ये वाली ऊल रहेगी तो इस तरह से हम इन्हें फंदे डालकर कंप्लीट कर लेते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 26 फंदे डाल लिए हैं अब देखिएगा जो पहली सिलाई है उसमें हम फंदों को इंक्रीज करेंगे तो देखिएगा पहला फंदा जो है वो सीधा बनाएंगे और देखिएगा फ्रेंड्स जिस तरह से हमने फंदे डाले हैं तो जो ये पहली सिलाई है वो राइट साइड किया है यानी हमें इसे सीधी सिलाई बनानी है तो ये पहला जो फंदा है इस तरह से हम सीधा बनाएंगे इस तरह से अब देखिएगा इस फंदे को हम इस तरह से सिलाई के नीचे से इस तरह से घुमाएंगे ये देखिए जो फंदे हैं उसके नीचे से हम इस तरह से निकाल लेंगे ये देखिएगा और यहाँ पर एक फंदा इस तरह से बना के ले आएंगे ऊपर की साइड में ये डिज़ाइन वाले फंदे हम बना रहे हैं फिर से यहाँ पर एक फंदा बुन लेंगे इसके नीचे से इस तरह से सिलाई घुमाएंगे एक फंदा इस तरह से बनाते हुए सिलाई को ऊपर की साइड में सीधा कर लेंगे फिर से एक फंदा सलाई से बुनेंगे और एक फंदा हम इसके नीचे की साइड से बना लेंगे तो इसका ये जो जितने भी फंदे डाले हैं उसके डबल हो जाएंगे यानी कि हमने छब्बीस फंदे डाले हैं तो पच्चीस फंदे हमारे यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएंगे क्योंकि पहला और लास्ट का फंदा हम सीधे बुनेंगे ये देखिएगा इस तरह से हमें सभी फंदों को बुनकर कंप्लीट कर लेना है जो पहली सिलाई है इसे हम इसी तरह से बनाएंगे एक फंदा सिलाई से बुन लेना है और एक फंदे को हम इस तरह से घुमाएंगे जिस तरह से फंदा बनाते हैं उसी तरह से हम लेकर आएंगे और फिर से एक फंदा सीधा बना लेंगे इसी तरह से हम पूरी सिलाई को कम्प्लीट कर लेते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स ये पूरी हमने सिलाई कंप्लीट कर, कर ली है एक फंदा हमने सिलाई से बुना है और लास्ट के जो फंदा है इसे देखिए नीचे की साइड से हम एक, एक फंदा बना लेंगे और जो सिलाई का एक फंदा है उसे हम इस तरह से सीधा बना लेंगे तो यहाँ पर आप काउंट कर लीजिएगा मैं आपको इस तरह से काउंट करके दिखा देती हूँ देखिएगा दो दो फंदे काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस पच्चीस यानी पचास और एक जो हमने छब्बीस फंदे डाले थे तो ये लास्ट का जो फंदा है उसे हमने इस तरह से बुन लिया है इक्यावन फंदे यहाँ पर हमारे हो चुके हैं अब आते हैं ये देखिएगा इस सलाई में तो यहाँ पर अब हम सभी सिलाइयों को सीधा सीधा बनाना शुरू करेंगे ये देखिएगा इस तरह से राइट साइड की तरफ हम इस तरह से बनाएंगे ये हमारी रॉन्ग साइड की सिलाई है लेकिन हम इन सभी फंदों को सीधे सीधे बुनेंगे इस तरह से पूरी सिलाई हमें इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेना है तो मैं इस सिलाई को पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ ये देखिए फ्रेंड्स रॉन्ग साइड की सिलाई है और इसे हमने सीधा सीधा बनाते हुए पूरी सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया है अब आते हैं राइट साइड की तीसरी सिलाई में तो ये देखिएगा इस तरह से हम इन फंदों को सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे इस साइड से भी हमें पूरी सिलाई सीधी बना लेनी है रॉन्ग साइड की जो सिलाई है उसे भी हम सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम आपको सभी सिलाइयाँ बनाकर बताएंगे। तो इस सिलाई को हम पूरा बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं ये पूरी सिलाई हमारी इस तरह से बुनकर हमने कंप्लीट कर ली है अब आते हैं राइट साइड की सिलाई में सॉरी रॉन्ग साइड की सिलाई में और ये हमारी डिज़ाइन की फोर रो है तो देखिए इस तरह से हम पूरी सिलाई को सीधा सीधा फिर से बनाकर कंप्लीट करेंगे इस तरह से पूरी सिलाई को हमें सीधा सीधा बना लेना है ये पूरी सिलाई हमने इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर ली है ये फोर रो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और देखिएगा ये राइट साइड में हमारी दो धारी बनकर कंप्लीट हो चुकी होंगी देखिएगा एक और ये दो दो कंप्लीट हो चुकी हैं अब यहाँ पर हम देखिएगा जो ये फिफ्थ सिलाई है इसे ध्यान से देखिएगा पहले फंदे को हम इस तरह से सी सीधा बना लेंगे इस तरह से एक और ये दो दो फंदे हमने सीधे बना लिए अब यहाँ पर देखिएगा धागा हम अपनी साइड में लाएंगे और इस फंदे को दो फंदे लेंगे एक और ये दो दो फंदे लेंगे इस तरह से और दो का एक कर देंगे ये देखिएगा धागा अपनी साइड लाते हुए दो फंदे का एक फंदा करेंगे अब एक फंदा ये बुना जा चुका है एक और ये दो दो फंदे बुन गए फिर से धागा अपनी साइड लाएंगे, दो फंदे लेंगे एक और ये दो दो का एक करेंगे ये देखिएगा इस तरह से एक फंदा ये बुन गया एक और ये दो फिर से धागा अपनी साइड लाएंगे दो फंदे लेंगे एक और ये दो दो फंदे लेंगे दो का एक कर देंगे इस फंदे को भी हम काउंट करेंगे एक और एक फंदा सीधा बनाएंगे दो दो फंदे का गैप देते हुए फिर से हम धागा अपनी साइड लाएंगे और दो फंदे का एक फंदा कर देना है इसी तरीके से हम पूरी सिलाई को बनाकर कंप्लीट करेंगे तो मैं इस सिलाई को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ अब देखिए फ्रेंड्स ये लास्ट में हमारे किस तरह से फंदे आएंगे देखिए ये दो फंदे हमने बुन लिए हैं फिर से धागा अपनी साइड लाएंगे और दो फंदे लेंगे एक और ये दो दो फंदे लेने के बाद में दो का एक कर देंगे इस तरह से अब एक फंदा हम इस तरह से सीधा बनाएंगे लास्ट में हमारे ये दो फंदे हैं जिस तरह से हमने यहाँ पर दो फंदे बुने थे एक और ये दो सिंपल बुन लिए थे उसी तरीके से हमें यहाँ पर कर लेना है तो देखिए धागा अपनी साइड लाएंगे और इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे एक दो जिस तरह से इस साइड में फंदे आए हैं उसी तरीके से इस साइड में हमने फंदा बनाना शुरू किया था अब जो ये रॉन्ग साइड की सिलाई है इसे हम पूरा सीधी सीधी सिलाई बनाकर कंप्लीट करेंगे ये देखिएगा इस तरीके से पूरी सिलाई हमें सीधी बनाकर कंप्लीट कर लेनी है ये हमारी सिक्स रो है और इसे हम इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे ये पूरी सिलाई हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है तो देखिए फ्रेंड्स अब राइट साइड से सीधी सिलाई और रॉन्ग साइड से सीधी सिलाई बनाते हुए यहाँ पर हम चार सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं देखिएगा ये एक सिलाई हमारी दिखने लगी है इसी तरीके से हम तीन सिलाई राइट साइड में और बनाएंगे तो टोटल यहाँ पर हम छः सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ दोनों साइड से आपको सीधी सीधी सिलाई ही बनाकर कंप्लीट करनी है राइट साइड से सीधी सिलाई और रॉन्ग साइड से सीधी सिलाई तो मैं यहाँ पर बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स राइट साइड में तीन सिलाई और रॉन्ग साइड में तीन सिलाई यानी छः सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है तो ये देखिएगा यहाँ पर ये वाली पहली सिलाई थी ये जो हमने जाली बनाई है इसके बाद में ये वाली सिलाई हमने बनाकर आपको बता दी थी इसके ऊपर हमने छः सिलाई बनाकर कंप्लीट की है तो यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार जाली बनाने के बाद में चार सिलाई हमने राइट साइड में बनाकर कंप्लीट कर ली है इसी तरीके से रॉन्ग साइड में बनी हुई है अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स आधे फंदे हम इस साइड में रखेंगे और आधे फंदे इस साइड में रखेंगे जो बीच का फंदा है उसमें हम जाली बनाएंगे अगर आप चाहें तो आधे आधे फंदे करने के बाद में यहाँ पर मार्क लगा सकते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम पच्चीस फंदे इस साइड में बुन लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस लास्ट का पच्चीस पच्चीस फंदे हमने इस साइड में बुन लिए हैं अब इस साइड में काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह और एक ये बारह दोनी चौबीस एक ये पच्चीस फंदा तो इस साइड में पच्चीस फंदे हो चुके हैं बीच में हमारे दो फंदे हैं तो यहाँ पर देखिए दो फंदे हम बीच में रखेंगे और दोनों फंदों को हम इस इस साइड में और इस साइड में जाली बनाएंगे देखिए यहाँ पर इक्यावन फंदे थे जब ये हम जाली बनाए हैं तो यहाँ पर जो लास्ट का एक फंदा हमने बनाया था उसका ये जाली का एक बढ़ा हुआ फंदा है तो यहाँ पर हम दो फंदे का जाली बना सकते हैं या आप दो फंदे की एक फंदा का लीजिएगा तो एक फंदे में भी जाली बन जाती है तो देखिए धागा हम अपनी साइड लाएंगे और इन दोनों फंदों को सीधा बनाएंगे एक और ये दो धागा फिर से अपनी साइड लाएंगे और इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे तो यानी कि इन दोनों फंदों के बीच में हमें एक फंदा इस साइड में और एक फंदा इस साइड में जाली बनानी है और ये दोनों फंदे सीधे बुन लेने हैं तो इस सिलाई को हम पूरा इस तरह से सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे ये पूरी सिलाई हम उल्टा उल्टा बनाएंगे इस तरह से ये सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं ये देखिए फ्रेंड्स ये जो जाली का फंदा है इसे भी हम उल्टा बनाएंगे। ये देखिएगा दो फंदे ये बीच के थे जिन्हें हमने सीधा बनाया था इन्हें भी हम उल्टा बनाएंगे ये जाली का फंदा है इसे भी हम उल्टा बना लेंगे तो ये पूरी सिलाई जो है उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करना है ये देखिए फ्रेंड्स रॉन्ग साइड की पूरी सिलाई बनाने के बाद में राइट right साइड के ये 25 फंदे हमने बनाकर कंप्लीट कर, कर लिए हैं पहली सिलाई में हमने 25 फंदे बनाने के बाद में जाली बनाई थी इस बार हमने ये देखिए 25 फंदे बना लिए हैं और एक फंदा जो जाली का बना हुआ फंदा है उसे भी हम इस तरह से बुन लेंगे तो इस साइड में हमारे छब्बीस फंदे हो गए हैं और ये एक एक फंदा सभी सिलाई में बढ़ेगा एक फंदा इस साइड में एक फंदा इस साइड में धागा हम अपनी साइड में लाएंगे ये दो फंदे सीधे हैं एक और ये दो इन दोनों फंदों को सीधा बनाएंगे देखिएगा एक दो फिर से धागा हम अपनी साइड लाएंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे इस तरह से अब ये जो पच्चीस फंदे हैं इन्हें सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे रॉन्ग साइड की पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने चार जाली बनाकर कंप्लीट कर ली है एक दो तीन चार यानी हमने आठ सलाई बनाकर कंप्लीट कर ली है अब जो ये नौवीं सलाई है इसे मैं बनाते हुए इस साइड के सभी फंदे बना लिए हैं तो यहाँ पर इस साइड में चार फंदे बढ़ चुके हैं जितनी जाली बनती जाएंगी उतने फंदे इस साइड में बढ़ते जाएंगे और उसी तरह से इस साइड में फंदे बढ़ेंगे तो जो अब पाँचवीं जाली है उसे मैं आपको बुनकर बताऊँगी ये देखिएगा इस तरह से करेंगे अब धागा अपनी साइड लाएंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे एक दो फिर से धागा अपनी साइड में लाते हुए इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे और ये जो सभी फंदे हैं इन्हें हम सीधे बनाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं ये देखिए फ्रेंड्स ये पूरी सिलाई हमने इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर ली है अब हम रॉन्ग साइड की सिलाई में हैं तो यहाँ पर देखिएगा इन फंदों को हम सीधा सीधा बनाएंगे इस तरह से नौ सिलाई हमने सीधी सीधी बनाई है सीधी साइड से सीधी उल्टी साइड से उल्टी अब यहाँ पर इन फंदों को हम सीधा सीधा बनाएंगे तो जो इस तरीके की जो धारी आएंगी ये गटर वाली डिज़ाइन ये पांच धारी हमें यहाँ पर कंप्लीट करनी है और देखिए फ्रेंड जब हम इस सिलाई को सीधी साइड को बनाएंगे रॉन्ग साइड से सीधी साइड को हम ये सिलाई बना रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा जो जाली वाले फंदे हैं उन्हें हमें किस तरीके से बुन लेना है ये देखिए ये वाली जाली का फंदा है धागा हम अपनी साइड लाएंगे इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे एक दो तीन चार ये चार फंदे उल्टा बनाने के बाद में धागा बैक करेंगे और ये आपको रोंग साइड की सभी सिलाई में कर लेना है क्योंकि जो पैटर्न में बता रही हूँ इसी को आपको रिपीट करना है अब ये पूरी सिलाई हम इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं ये रॉन्ग साइड की सिलाई हमने सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट कर ली है अब राइट साइड से हम इस सिलाई को सीधा सीधा बनाएंगे ये देखिएगा इस तरीके से सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाएंगे राइट right साइड से सीधी और रॉन्ग साइड से भी सीधी बनाएंगे और जो जाली है उसे हमें उसी तरीके से बना लेनी है ये देखिएगा धागा हमें अपनी साइड में लाना है इस फंदे को सीधा बना लेना है दो फंदे हम सीधे बनाएंगे एक और ये दो दो फंदे सीधे बनाने के बाद में धागा अपनी साइड लाएंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स रॉन्ग साइड की जो सिलाई है उसे हमने सीधा सीधा फंदे बनाते हुए पूरी सिलाई को हमने यहाँ पर देखिए आधी स फंदे हमने इस साइड में बुन लिए हैं अब जो ये जाली वाला फंदा है इसे हम देखिए धागा अपने साइड लाएंगे और चार फंदा उल्टा बना लेंगे एक दो तीन चार जो ये दो बीच के फंदे हैं और जाली वाले फंदे बनते हैं इन्हें उल्टा हमें बना लेना है और फिर से धागा सीधा करेंगे और इन फंदों को सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे तो जिस तरह से देखिएगा ये गाटर वाली डिज़ाइन दो सिलाई आ चुकी हैं इसी तरीके से हम पांच सिलाई यहाँ पर बनाकर कंप्लीट करेंगे दो बन चुकी हैं और तीन हम और बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स मात्र नौ नौ सिलाई का ये पैटर्न हमने बनाना शुरू किया है तो यहाँ पर देखिए पांच जाली बनाई हैं एक दो तीन चार पाँच और यहाँ पर राइट साइड रॉन्ग साइड राइट साइड रॉन्ग साइड यहाँ पर हमने नौ सिलाई बनाकर कंप्लीट की फिर रॉन्ग साइड में हमने इस वाली जो ये सीधी साइड में गटर वाली डिज़ाइन आई है इसे बनाना शुरू किया है तो यहाँ पर नौ सिलाई में ये पैटर्न बना है और नौ सिलाई में ये वाला पैटर्न बनाकर कंप्लीट किया है तो देखिए एक दो तीन चार पाँच पाँच सिलाई हमने यहाँ पर बनाकर राइट साइड में कंप्लीट कर ली है अब जो इसके आगे की जो सिलाई है फिर से हम इस वाले पैटर्न को रिपीट करेंगे यानी नौ सिलाई हम सीधी सीधी बनाएंगे राइट साइड की सीधी सिलाई रॉन्ग साइड की उल्टी सिलाई तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से हम फिर से सीधे सीधे फंदे बनाना शुरू करेंगे इस तरह से और रॉन्ग साइड में उल्टी सिलाई बनाएंगे ये देखिए फ्रेंड्स ये सभी फंदे हमने सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं अब फिर से हम धागा अपनी साइड लाएंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे फिर से धागा अपनी साइड लाते हुए ये दो फंदे सॉरी ये वाले सभी फंदे हम सीधे सीधे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे ये पूरी सिलाई हमारी इस तरह से बनकर कंप्लीट हो चुकी है अब आते हैं रॉन्ग साइड की सिलाई में तो ये पूरी सिलाई जिस तरह से हमने नीचे की साइड में इस पैटर्न में सीधे उल्टे की सिलाइयों में बनाया है उसी तरीके से रिपीट करना है तो देखिए ये पूरी सिलाई हमें उल्टा उल्टा बनाते हुए इस तरह से कंप्लीट कर लेना है तो फिर से हम यहाँ पर पांच जाली बनाएंगे यानी नौ सलाई हम बना लेंगे राइट साइड से पांच सलाई रॉन्ग साइड से चार सलाई तो यहाँ पर हम इसे बनाकर फिर से कंप्लीट करेंगे और देखिए फ्रेंड्स नौ सलाई ये वाली और नौ सलाई ये वाली के इस पैटर्न को हम रिपीट करते हुए इस पोंचों की लंबाई को कंप्लीट कर लेते हैं फिर मैं आपको इसकी लेंथ माप कर बताऊंगी कि इसकी लेंथ कितनी हमें बना लेनी है तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स इतनी लंबाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है नौ सलाई सीधी सीधी बनाई है सीधी उल्टी और नौ सलाई हमने ये वाली बनाई है जिसमें पाँच गाटर वाली सलाई आई हैं और इसी तरीके से बैक साइड में आई हैं इन्हें हमने रिपीट करते हुए इतनी सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली हैं बात करें इन जाली की तो हमने लगभग थर्टी सिक्स जाली बनाकर कंप्लीट की है यहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट में अब इसकी लेंथ हम आपके दिखा देते हैं थर्टी एट सेंटीमीटर ये बना हुआ है तो ये जो सिलाई मैं बना रही हूँ इसे बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ फिर रॉन्ग साइड से हम इन फंदों को बंद कर देंगे और देखिएगा सिक्सटी वन यानी इकसठ फंदे इस साइड में हो चुके हैं और इकसठ फंदे इस साइड में हो चुके हैं और यहाँ पर आप ये देखिएगा दो फंदे यहाँ पर हैं और एक ये जाली अभी बनेगी तो बासठ फंदे इस साइड में हो जाएंगे और बासठ फंदे इस साइड में हो जाएंगे और दो फंदे हमारी जो ये जाली के हैं इतने यहाँ पर फंदे हो चुके हैं तो इस साइड की ये सिलाई को मैं बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स अब हम हैं रॉन्ग साइड की सिलाई में तो यहाँ से हम फंदों को बंद करेंगे तो ये देखिएगा दो फंदे इस तरह से लेंगे इन फंदों को ना तो टाइट लेना है और ना ही ज़्यादा लूज छोड़ना है दो फंदे लेंगे दो का एक कर देंगे इस फंदे को हम फिर से सिलाई में लेंगे एक फंदा ये वाला और एक फंदा आगे साइड से लेंगे दो का एक करेंगे इस फंदे को फिर से सिलाई में ले लिया है और एक फंदा ये लेंगे और एक फंदा ये वाला दो फंदे का एक फंदा फिर से इस फंदे को सिलाई में चढ़ाएंगे दो फंदे का एक फंदा फिर से लेंगे दो फंदे का एक फंदा इसी तरीके से हमें हल्के हाथों से ये सभी फंदों को उतार देना है तो यहाँ पर ये सभी फंदे बंद हो जाएंगे अगर आप इसे खींच देंगे तो यहाँ पर खिंचाव आ जाएगा लेकिन यहाँ पर हमें खिंचाव नहीं देना है फंदे लूज हो जाएं, अच्छी बात है लेकिन टाइट नहीं होने चाहिए तो ये देखिएगा राइट साइड में कुछ इस तरीके से आ जाएंगे फंदे तो हमें इसे रॉन्ग साइड से ही उतार देना है तो ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से पोंचों का एक पार्ट हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है सेम इसी तरीके से आपको दूसरे पार्ट को कंप्लीट कर लेना है ये देखिएगा मैंने दूसरा पार्ट भी इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिया है ये दोनों एक साइड में है देखिए ये सीधी की साइड में है और ये सीधी की साइड में है अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो देखिए सिलाई किस तरीके से लगानी है इस तरह से हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की सिलाई लगा लेंगे इस साइड में सिलाई लगानी है और इस साइड में देखिएगा यहाँ पर सिलाई लगानी है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीधी साइड है और ये सीधी साइड है तो देखिए ये जो गटर वाली डिज़ाइन है इसे हम यहाँ पर इस तरह से गटर वाली डिज़ाइन को उसी के हिसाब से वहाँ पर सामने लाते हुए सिलाई लगाएंगे और जो सीधी उल्टी की सिलाई है उन्हें हम इस तरह से सीधे लगाते हुए इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ से सिलाई लगाना शुरू किया है जो डिज़ाइन है उसी के सामने हमने सिलाई लगाई है तो ये हम सीधी की साइड से सिलाई लगा रहे हैं तो देखिए सीधी की साइड में हमें सिलाई किस तरह से लगानी है देखिए ये जो गाटर वाली डिज़ाइन है इन्हें हमें ये देखिए उल्टा उल्टा जो पंदे बनाए जाते हैं इन्हीं को उठाते हुए इस तरह से एक इस साइड में लेंगे और दूसरा इस साइड से लेंगे इस तरह से इस तरह से सिलाई लगाने में बहुत आसान होता है ये देखिएगा अब इस साइड में आएंगे एक इस साइड से और फिर दूसरा इस साइड से देखिए ये बराबर आ गए इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए जो सीधी सिलाई बनी है इसमें हम इस तरह से निकाल लेंगे एक बार इस साइड में यहाँ पर निकालेंगे फिर एक बार यहाँ से इस तरह से यहाँ पर निकालेंगे और इस तरह से सिलाई लगाते हुए दोनों साइड में हम कंप्लीट कर लेते हैं ये देखिए फ्रेंड्स एक साइड हमने सिलाई लगाकर इस तरह से कंप्लीट कर लिया है ये देखिएगा ये बैक साइड में है और ये फ्रंट साइड में है अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस साइड में भी सिलाई लगा कर कम्प्लीट करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स दोनों साइड में हमने इस तरह से सिलाई लगा कर कम्प्लीट कर ली है और ये पोंचो बनकर कर कम्प्लीट हो चुका है आप चाहें तो इसी तरीके से बेबी को ये देखिए हेड से इस तरह से पहनाएंगे और इस तरह से शोल्डर पर टिक जाएगा तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं या आप इसे डेकोरेट करना चाहें तो क्रोसिया से डेकोरेट भी कर सकते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके की हमने ये डोरी बनाकर कंप्लीट कर, कर ली है इसे आप क्रोसिया से भी बना सकते हैं या डबल किनेटिंग वाली नीडल होती हैं उनसे भी बना सकते हैं ये मैंने फ़्लावर क्रोशिया से बनाया है इसके बाद में ये डोरी बनाकर कंप्लीट कर, कर ली है तो अब जहाँ पर मैंने ये देखिएगा मैंने ये जाली बनाई है इनमें हम इस तरह से पिरो देंगे तो ये मैंने तीन फंदे की डोरी बनाई हुई है तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से डबल करते हुए हमने धागा कट नहीं किया है क्योंकि हमें दूसरी साइड में इस तरह का ये देखिए अभी इस तरह का हमें फ्लावर बनाना है तो यहाँ से हम इस तरह से डालना शुरू करेंगे इसमें ये देखिएगा यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पर लेकर आएंगे इस तरह से अब इस पूरी डोरी को हम इसी तरीके से खींच लेंगे देखिए इस डोरी को हम खींचते जाएंगे और इस तरह से देखिए जाली में एक जाली ऊपर इस तरह से नीचे करते हुए पूरे में डाल लेंगे ये देखिए इस तरह से तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने सर्कल में डाल लिया अब यहाँ पर ये एक दो तीन ये इस तरह से बचे हैं तो यहाँ पर अभी हम इस तरह से निकाल लेंगे अब ये देखिएगा यहाँ पर हम फ्लावर बनाएंगे इसके बाद में धागा कट करने के बाद में तब हम इस धागे को निकाल देंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स इस साइड का फ्लावर भी हमने इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिया है अब जो एक्स्ट्रा धागा है ये वाला जो हमने डबल डाला था उसे हमने कट कर दिया है और इस तरह से निकल आया है तो ये देखिएगा इस तरह से ये बनकर कम्प्लीट हो चुका है ये देखिए फ्रेंड्स इतना खूबसूरत ये बनकर कंप्लीट हो चुका है अब इसे आप चाहें तो जितना चाहें उतना इसे खींच सकते हैं इस तरह से बेबी की नेक पर जितना आपको कंफर्टेबल है उस तरह से कर सकते हैं अब इसी तरीके से हम इसकी किनारी बनाएंगे और फ्रेंड्स अगर आप इस डोरी को और ये फ्लावर बनाकर सीखना चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियो को ज़रूर देखें और उस वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जब मैं इस डोरी की वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले मिल सके ये देखिए फ्रेंड्स ये बीच में है और यहाँ पर हमने सिलाई लगाई है तो सिलाई के पास में इस तरह से पकड़ेंगे जहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है वहाँ से हम इस तरह से इसे ऐड कर लेंगे सेकंड धागे को एक इस तरह से नॉट लगा लेंगे देखिए इस तरह से अब ये देखिएगा यहाँ पर निकालेंगे कुछ इस तरीके से अब देखिएगा एक दो तीन चार पाँच छ छः चैन हमने इस तरह से बना ली हैं अब देखिए एक दो तीन चार पाँच पांच चैन बनाने के बाद में इस पांचवी चैन में देखिए एक दो तीन चार पाँच पांचवी चैन में हम यहाँ पर आएंगे और इस तरह से निकालते हुए यहाँ पर जोड़ देंगे अब जोड़ने के बाद में ये देखिएगा इतना सर्कल बन चुका है इसी में हमें डिज़ाइन को इस फ्लावर को बनाना है तो देखिए एक दो दो चैन हम यहाँ पर ऊपर बनाएंगे अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाते हुए इस फ्लावर को तैयार करेंगे एक डबल क्रोशिया दो तीन चार चार डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बना दिए हैं अब ये देखिए इस तरह से यहाँ पर निकालेंगे और यहाँ पर इस तरह से निकाल देंगे ये देखिएगा अब फिर से यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, फिर से चार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद में फिर से हम उसी तरीके से देखिएगा यहाँ पर फंदा निकालेंगे और इस तरह से बंद कर देंगे अब यहाँ पर दो चैन बनाएंगे, एक दो दो चैन बनाने के बाद में फिर से चार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो दो, तीन लास्ट में चार चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद में फिर से हम उसी तरीके से इस होल में निकाल लेंगे और इसे इस पंदे से निकाल देंगे तो ये देखिए थ्री लीव्स बन चुकी हैं एक दो तीन अब यहाँ पर फिर से एक दो तीन चार पाँच छ छः चेन बनाने के बाद में इसकी दूरी माप लेंगे देखिए इस तरह से सीधी के साइड में लगाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से इसकी दूरी हम माप लेंगे आप चाहें तो इस लटकन को पास में भी कर सकते हैं तो ये चेन जो हैं वो कम कर सकते हैं तो यहाँ पर हम ए एक दो तीन चार पाँच छठवीं चेन में हम यहाँ पर इस तरह से इसे अटैच कर देंगे इस तरह से फिर से हम छः चैन बनाएंगे या आप पांच भी बना सकते हैं एक दो तीन चार पाँच आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं तो यहाँ पर इस तरह से बनते हुए चलेंगे और जिस तरह से मैंने इस फ्लावर को बनाकर बताया इसी तरीके से बनाकर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स जिस तरह से हमने एक बॉर्डर ये लड़ी बनाकर बताई थी उसी तरह से रिपीट करते हुए हमने फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिया है और जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहाँ पर हमने इस तरह से ज्वाइंट लगा कर कट कर दिया है देखिए ये बैक साइड से कुछ इस तरीके से आएगा और फ्रंट में ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आप बेबी के नेक पर इस तरह से पहनाने के बाद में जितनी भी बेबी के लिए कंफर्टेबल है उतना आप इसे खींचकर कर यहाँ पर इस तरह से फ्लावर बना सकते हैं ये देखिएगा इस तरीके से छः महीने से लेकर एक साल के बच्चे के लिए आप आसानी से ये पोंचो पहना सकते हैं अगर आप चाहें तो इसे अगर लंबा बनाना है तो आप लंबा कर सकते हैं लेकिन बनाना इसी तरीके से है तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो ये डिज़ाइन और हमारे बताने का तरीका आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर लीजिएगा इसी तरीके के वीडियोज़ पाने के लिए तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे अगले वीडियो में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा आइए फ्रेंड्स मिलेंगे अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद